तो ये गाइस फुटकल साग बोल रही हैं जो कि मैंने फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। ये नामकुम बाजार में आपका है जैसा कि देख सकते हैं। कैसे है दादी ये? 40 रुपये के जी। ये क्या चीज है? रायफूल। ये लहसुन का है और ये किसका है? लहसुन आदि। और हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में आप सबको नामकुम बाजार घुमाने वाले हैं। तो देख सकते हैं ऑलरेडी मैं नामकुम बाजार में ही हूँ। तो इस नामकुम बाजार में क्या कुछ है सब कुछ आप लोगों को दिखलाने वाले हैं। और मेरे साथ रिहान भाई भी है। हाय गाइस। तो अगर गाइस आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। एंड गाइस आइए घूमते हैं नामकुम बाजार। सो गाइस, ये नामकुम बाजार जो है ये आपका रविवार को और बृहस्पतिवार को हफ्ते में 2 दिन मतलब लगता है। तो देख सकते हैं अभी हम एक शॉप के सामने खड़े हैं। देख सकते हैं बहुत ज्यादा शर्ट टूट यहाँ पे है। ये व्हाइट कलर, पिंक कलर, बहुत ज्यादा यहाँ पे शर्ट है, टी शर्ट है। क्या बोल रहे हैं अंकल? 150 रुपये में 2 को निकर है। अच्छा, ये वाला तो ये 150 रुपये में 2 पीस है। सो गाइस, नामकुम बाजार में आपको एक जो निक्कर है शॉर्ट्स 150 रुपये में 2 पीस मिलेगा जैसा कि देख सकते हैं। और यहाँ पे टी शर्ट भी है, ये भी 150 में 2 दीजिएगा। तो ये जो टी शर्ट आपको दिख रहा है जो गर्मी वर्मी में आप लोग पहन सकते हैं, ये भी आपको मिलेगा इस बाज़ार में 150 रुपये में 2 पीस। तो एक पीस और ये आपको 2 मतलब 150 रुपये में आपको 2 मिल जाएगा। और उधर बहुत सारा टी शर्ट लगा हुआ है जैसा कि देख सकते हैं। और लोअर भी है, तो लोअर का हम लोग रेट पता करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वो सब जो लोअर है वो सब कितना का पड़ेगा? 150 रुपये एक पीस। 150 के 150 में 2? 150 में 1 पीस है। तो गाइज अगर आप लोग यहाँ पे नामकुम बाजार आते हैं शॉपिंग कर रहे हैं, जो लोअर है आपका 150 का एक टी शर्ट 150 में 2 और शॉर्ट्स 150 में 2। तो यहाँ पे इनका दुकान है, संडे को लगाते हैं। अगर आप लोगों को खरीदना है तो यहाँ पे आ सकते हैं। चलते हैं फिलहाल हम लोग और आगे देखते हैं इस बाजार में क्या कुछ है। यहाँ पे गाइस आप बच्चों के लिए शूज़ भी बाय कर सकते हैं, स्लीपर्स भी है मतलब जो सैंडल वाले चप्पल होते हैं, और भी बहुत कुछ है जैसे कि ये देख सकते हैं। कितना भैया दाम? 160 रुपये। बहुत महंगा बता रहे जी। डिस्काउंट हो जाएगा? चलिए बढ़िया। यहाँ पे कुछ कुछ शर्ट दिख रहा है और टी शर्ट भी है और जीन्स भी है। तो पूछते हैं भैया से प्राइस हम लोग। कितना भैया इस शर्ट का कितना पड़ेगा? 350 का है। डिस्काउंट है कि नहीं? हो जाएगा। और ये जीन्स का क्या प्राइस पड़ेगा? अलग-अलग रेट का है, आप कौन सा पसंद? कितना से स्टार्ट होगा फिर भी? 350 से लेकर 650 मतलब 1000 के अंदर में मिल जाएगा। 650-700। अच्छा, तो ये देख सकते हैं गाइस भैया बता रहे हैं 350 से स्टार्ट है यहाँ पे से लेकर 650 तक। तो कोई एक उठाते हैं जैसे कि ये वाला, इसका कितना पड़ जाएगा? 550। इसमें डिस्काउंट है कि नहीं है? मतलब 550 का भी मतलब डिस्काउंट भी है। अच्छा, यहाँ पे गाइस आप लोग बहुत सारा घड़ी भी बाय कर सकते हैं जैसा कि देख सकते हैं। कितना मस्त मस्त आपका घड़ी है यहाँ पे, जो घर के लिए जो होता है और वॉच भी होता है। ये सब कैसे पड़ेगा भैया? इसमें 120 का भी है, 140 का भी। अच्छा, है। स्टार्टिंग कितने से है? 120। तो यहाँ पे घड़ी जो है 120 से स्टार्ट है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो हैंड वॉच है ये सब हैंड वॉच भी है, 80 का भी है, 100 का भी। ये कितना का पड़ेगा? 80 रुपया। कुछ कम होगा कि नहीं? कम हो। अच्छा, कम हो जाएगा। ये सब भी आप ही का है? सब मेरा ही। तो जो गाइस इनके पास अच्छा अच्छा स्पीकर भी देखने को मिल रहा है जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आएंगे तो। ये कौन सा स्पीकर है भैया? ब्लूटूथ स्पीकर है। ब्लूटूथ। ये कितना का पड़ेगा? 250 का। इसमें कम हो जाएगा? तो ये स्पीकर है 250 का है। और भी बहुत कुछ इनके पास है, लाइट वाइट जैसा कि देख सकते हैं। यहाँ पे गाइस अचार भी मिल रहा है, तो आप लोगों को खरीदना है तो खरीद सकते हैं। रेट पता करते हैं। 3-4 आइटम का दिख रहा है। थोड़े खाओ, बढ़िए खाओ, गर्मी का दुश्मन। कौन कौन सा अचार है भैया आपके पास? सब चीज का, लाल मिर्ची का है, ओल का है, आम का है, मिक्स है, हरा मिर्ची है, कटहल है। कैसे है केजी? 50 रुपये। 50 रुपये पाव। सारा सेम रेट का है? अच्छा, तो 50 रुपये पाव इनके पास है। बहुत सारा कैटेगरी का अचार है। कौन लहसुन का कौन सा अचार है? ये लहसुन का है, लहसुन आदि। ये लहसुन का है और ये किसका है? लहसुन आदि। ये लहसुन आदि और मिर्ची। ये लहसुन आदि मिर्ची और ये बस लहसुन का अचार है। ये दोनों मिर्ची का अचार है। ये कौन सा अचार है? करीब ओल का अचार। तो ये आपका ओल का अचार है, मैंगो है और ये बहुत कुछ है। कैसे भैया अंगूर? अंगूर कैसे? आधा किलो 40। तो यहाँ पे अंगूर भी खरीद सकते हैं, 80 रुपये केजी है। यहाँ नामकुम बाजार में एक साग दिखा है जो कि एकदम अननोन है मेरे लिए, पता ही नहीं क्या नाम है उसका, मतलब मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। सामने एक आंटी है जो कि वो बेच रही है, तो चल के हम लोग पता करते हैं आखिर वो साग है क्या। गाइस
तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं एक साग बेच रही है आंटी, ये कौन सा क्या हमको कुछ पता नहीं है, क्या चीज है ये? हाँ उटकल फुटकल। तो गाइस ये साग है ना, सागे है। तो ये गाइस फुटकल साग बोल रही है जो कि मैंने फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। ये नामकुम बाजार में आपका है जैसा कि देख सकते हैं। कैसे केजी फिलहाल ये? 60 रुपये। इसको खाते कैसे है? इसको खाते कैसे है? साग जैसा ही बनता है। अच्छा तो गाइस जैसे नॉर्मल साग बनता है सेम वैसे ये भी बनता है। ये आप लोग देख के बताओ, अगर आप लोगों ने अगर पहले कभी देखा है तो। अगर आप लोग झारखंड से है तो आपको केंद के बारे में डेफिनेटली पता ही होगा। तो इस नामकुम बाजार में केंद भी अवेलेबल है, तो चल के हम लोग प्राइस पता करते हैं। अगर आप लोगों ने कभी केंद नहीं खाया है तो गाइस आप लोग जरूर ट्राई करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक दादी है जो कि ये बेच रही है। जैसा कि मैंने बताया इसका नाम केंद है, जो झारखंड में ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। कैसे है दादी ये? 40 रुपये के जी। अच्छा तो ये आपका 40 रुपये के जी है। अगर आपने कभी नहीं खाया तो गाइस इसको जरूर ट्राई करना आप लोग। इतना अच्छा लगता है, मीठा है। मीठा लगता है, हाँ हम खाए तो हमको पता है। बहुत लोग नहीं खाया ना, उसके वो वीडियो देखेगा तो वो आएगा खाने के लिए। ये क्या चीज है? रायफूल है। रायफूल। तो गाइस ये आपका राई का फूल है। इतना अच्छा लगता है, ले जाइए ना। आप खाएंगे कैसे हमको तो पता नहीं, कैसे खाते इसको? सब्जी बनाइएगा। सब्जी बनता है आलू से मिसे ही कितना। अच्छा आलू के साथ मिक्स करके इसको बना सकते हैं। अच्छा क्या बोले? राइफूल। तो गाइस ये आपका राइफूल है जिससे आप मतलब सब्जी वब्जी बना के खा सकते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। जैसे कि वहाँ पे एक फुटकल साग देखने को मिला, यहाँ पे राय का फूल देखने को मिला, मतलब इस नामकुम बाजार में बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला जो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। सो गाइस ये था आपका नामकुम बाजार का नज़ारा। एंड आई होप आप सबके वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, कुछ कुछ नया नया चीज़ देखने को भी मिला। तो जल्दी मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।